दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे एक्सनेस पर डिपॉजिट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और जो भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कोई भी अपडेट होता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले देता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक्सनेस पर अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद इसका जो ऐप है इसे इंस्टॉल कर लेना है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक अकाउंट बना लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, 2429-3397। तो अब यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन आ गया है। जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पे आपको डिपॉजिट का ऑप्शन मिल जाएगा, और ये जहाँ पे रिमन नाम दिखा रहा है इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप नया अकाउंट बना सकते हैं। तो जो MT4 या MT5 पर जिस पर भी आपको बनाना हो, डेमो और रियल दोनों अकाउंट आप बना सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि आपको मान लीजिए डेमो अकाउंट बनाना है तो आपको डेमो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप किस प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करना चाहते हैं वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो MT4 पे ट्रेड करना है हमें, तो MT4 यहाँ पे सेलेक्ट है ऑलरेडी। क्रिएट न्यू अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको डेमो अकाउंट पे क्लिक करना है। डेमो अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको स्टैंडर्ड वाला सिलेक्ट कर लेना है। तो MT4 यहाँ पे आना है, MT4 पर। इसके बाद यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हैं कई तरीके का अकाउंट आप बना सकते हैं, तो आपको स्टैंडर्ड वाले पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे अपनी करेंसी और जो भी हो, और उसके बाद यहाँ पे लेवरेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी जितना भी आपको लेवरेज सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको नाम देना है, कोई भी एक नाम एग्जांपल के तौर पे दे देना है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी दे दे रहा हूँ। तो उसके बाद कंटिन्यू आपको कर देना है। पासवर्ड यहाँ पे अपने हिसाब से आपको डालना है, तो मैं पासवर्ड यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, AS123। तो यहाँ पे ओके कर दे रहा हूँ, 4-5, तो 8 डिजिट का होना चाहिए, 6-7-8। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं एक्सनेस ट्रायल 8, ये आपका सर्वर नेम है। यहाँ पे आपको सर्वर नेम मिल जाएगा, तो सर्वर नेम आपको MT4 में सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर मिल जाएगा, तो इसको कॉपी कर लेना है, आपको वहाँ पे इंटर करना है, और जो पासवर्ड आपने डाला था वो आपको इंटर करना है, MT4 में लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरीके से आप रियल अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना रियल अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रियल पर आपको क्लिक करना है, ये मेरा ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर अब आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है। डिपॉजिट पे क्लिक करते ही यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे डिपॉजिट के। तो यहाँ पे अगर आप इंडिया से हैं तो आपको UPI सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे UPI मिल जाएगा ऑप्शन। इसके बाद इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आप कितना डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो 745 रुपये से स्टार्ट है यहाँ पर, तो आपको 750 रुपये डालना है, 5-10 रुपये एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, जितना भी आप डिपॉजिट करेंगे आपको उतना ही यहाँ पे आपका डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, अगर ये यहाँ पे आपसे कोई डॉक्यूमेंट डिटेल पूछता है तो आपको फिल करना होगा, अगर नहीं पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भीम UPI, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, जैसे ही आप अपना UPI ID यहाँ पे इंटर करेंगे इसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे बता रहा है कि पेंडिंग में है। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपका अकाउंट यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं आ जाएगा इस तरीके से। अब आपको सिंपली पे पे क्लिक करना है, और इसके बाद आपको सिंपली पे पे इंटर करना है। इसके बाद आपको अपना UPI पिन इंटर करना है।
करना है। जैसे ही आप अपना यूपीआई पिन इंटर करेंगे, डायरेक्टली आपका डिपॉजिट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सनेस पर आप काफ़ी आसानी से डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रॉ भी काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, तो बहुत ही ईजी है दोस्तों। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं और डिपॉजिट करने के बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस हैज चेंज्ड, तो यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है। तो ये मेरा माइक्रो अकाउंट था, तो मैंने जिसमें अभी डिपॉजिट किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सेंट अकाउंट था, एक मिनट, यहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डिपॉजिट कर दिया है, तो यहाँ पे डिपॉजिट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे इक्विटी नहीं दिखा रही है। तो अगर नहीं दिख रहा है आपका इक्विटी, तो आपको पेज को एक बार रिफ़्रेश कर लेना है, इसको फिर से ओपन करना है आपको। तो ये मेरा सेंट अकाउंट है जिसमें मैंने अभी अभी डिपॉजिट किया है। तो अभी यहाँ पे बैलेंस अपडेट नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ ही टाइम में ये अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ चुका है, तो ये यहाँ पे एक्सनेस का नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको दिख रहा होगा द बैलेंस ऑफ इतना हैज चेंज्ड। तो यहाँ पे चेंज हो चुका है, आपको इस पर क्लिक करना होगा आपको सिंपली। इसके बाद आपको यहाँ पे वेट करना होगा, तो देखते हैं, तो नहीं हो रहा है अभी अपडेट। तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ देर में आपका बैलेंस अपडेट हो जाएगा यहाँ पे, कुछ थोड़ा बहुत टाइम लगता है, इसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रेड पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अपडेट हो गया, यहाँ पे आ चुका है बैलेंस, यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से ट्राई करते हैं, फिर से देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे अपडेट हो चुका है बैलेंस। तो 1 से 2 मिनट लगता है अपडेट होने में। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।